अभी मेरे छोटे भाई ने जो कुछ मेरे बारे में बताया, ये इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन है। सच्ची इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं तुम सबका अपना हूँ और आप मेरे सब अपने हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, पर सच बात बताऊँ तो जिस जगह मैं खड़ा हूँ उस जगह से वो जगह बहुत बड़ी है जहाँ आप बैठे हो। पहचानना ज़रूरी होता है। अगर हम इस दुनिया में अपने आप को पहचान लें तो मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी कभी किसी के लिए कष्ट का रीज़न नहीं बनेगी। पर यह अजीब विडंबना है कि हम दुनिया की खबर तो रखते हैं मगर अपनी खबर नहीं रखते। हमारी बहन ने इन पिछले कई सालों में बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार से मुझे सुना है इस प्रोग्राम में और आप सब ने, और आज मेरा मुकद्दर हुआ कि मैं आप लोगों के दरमियान बोलने को खड़ा हुआ हूँ। मैंने पूछा भी कि सब्जेक्ट क्या है और मुझे बताया गया कि आप जिस पे भी बोलना चाहें। देखो, ज़िंदगी में जब तुम्हें कभी बोलने का मौका मिले तो ऐसे सब्जेक्ट पे कभी मत बोलना जिस पे तुमने खुद कभी काम ना किया हो। हमेशा ऐसे सब्जेक्ट बोलना जिस पे खुद काम किया हो। कोई मसला नहीं, हो सकता है छोटे लेवल पे किया हो सकता है बीच के लेवल पे किया हो और हो सकता है बहुत बड़े लेवल पे किया हो। मगर जब सुनने की बात आए तो सब सुनना, क्योंकि मैं एक बात कहा करता हूँ कि जब हम बिना सुने बोलते हैं तो सुनना पड़ता है, और जब सुन के बोलते हैं तो फिर दुनिया सुनती है। ये जो एक साल या दो साल आपको मिल रहा है आपकी ज़िंदगी का, ये सुनने के लिए। जो सुनने के बाद आप बोलेंगे ना, तो जिस इलाके में बोलेंगे वो इलाका सुनेगा, जिस जगह बोलेंगे वो जगह सुनेगी। और एक बात हमेशा याद रखना, एक आम आदमी, आम इन द सेंस मैं चूंकि बुरे को बुरा भी नहीं कहना पसंद करता, आम आदमी मतलब जो बुराई भी करता और अच्छाई भी करता, एक आम आदमी जब बोलता है तो सिर्फ जनता सुनती है, मगर एक सच्चा आदमी जब बोलता है ना तो जमीन और आसमान सब सुनते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि आप दूसरों से दुआ लिया करो। क्यों? क्योंकि जब दुआ में वो सच्चा होता है, उसकी जो विश होती है वो उसकी बातों में सच्ची होती है, तो वो बातें लगती हैं। मैं यहाँ अभी स्पीच देते देते सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ आपके दरमियान, तो मैं चाहता हूँ कि आपको समय के बारे में बताऊँ। वक्त, देखो हर चीज़ में वक्त की बहुत इम्पोर्टेंस है, चाहे पार्लियामेंट में देखो या ऑपरेशन थिएटर में। फ़र्ज़ करो एक डॉक्टर ने किसी मरीज़ को खोल दिया हुआ है और उसकी हार्ट की सर्जरी चल रही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? टाइम। चूँकि हर चीज़ का रिप्लेसमेंट है मगर टाइम का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको संभालने वाले वहाँ मिल जाएंगे। अगर एक डॉक्टर की अचानक आंखों में प्रॉब्लम आ गई तो उसे भी संभालने वाले दूसरे डॉक्टर मिल जाएंगे। मगर अगर वक्त निकल गया तो फिर सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। इसलिए वक्त का इस्तेमाल अगर मल्टीपल ना भी कर सको तो कम से कम उतना ज़रूर करना जितने के लिए वो वक्त तुम्हें मिला है। वक्त की मिसाल ऐसे समझ लो, पता नहीं आप लोगों को बचपन में ऐसी आदत होगी कि नहीं, वो बच्चों को मोमबत्ती खाने की आदत हो जाती है, मिट्टी खाने की आदत हो जाती है, कुछ नॉर्मल सी और एबनॉर्मल सी चीज़ें खाने की बचपन में आदत हो जाती है बच्चों को। तो वैसे जिनको मिट्टी खाने की आदत होती है तो मिट्टी बहुत सौंधी सौंधी होती है, बड़ी अच्छी लगती है। तो गाँव में जब जाके देखोगे ना तो अभी भी, वैसे जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं ना, ये हिंदुस्तान असल नहीं है, असल वो गांव का है। 7,50,000 गांव हैं इस देश में, और हर डिस्ट्रिक्ट में
मेरे ख्याल से ये लोग तो पॉलिटिकल छात्र हैं ना, आपको पता है एक डिस्ट्रिक्ट में कितने गांव होते हैं? एक अंदाज हैं 1200, 1200 1300 नहीं, 1200 से लेके और 1550 तक के गांव होते हैं। अगर 1200 सोच लोगे और 1300 सोच लोगे तो 200 बेचारे यतीम हो जाएंगे, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, हमारे यहाँ 800 लोगों से लेके और 1500 लोगों तक का जो गांव है वो कुछ 1000 जितना होता है, और फिर 1500 से लेके और 5000 से 8000 तक लोगों का जो गांव होता है वो 200 होता है, और उससे लेके और 25-30 हज़ार तक का जो गांव होता है वही वो गांव होते हैं जिनमें दिनों में बाज़ार लगती है, संडे मार्केट, मंगल बाज़ार, बुध का दिन, जुमेरात का दिन, समझ रहे हो ना आप? तो ये जो बाज़ार के दिन होते हैं ये इन सबको कनेक्ट करते हैं। तो आप सोच रहे होगे कि तकरीर कहीं और हो रही थी और जानकारी कहीं और शुरू हो गई, पर मैं वहीं आ रहा हूँ। इन ये मैं आपको इसलिए दोबारा दोहराना चाहता हूँ क्योंकि अगर आप गांव के लिए ख़ुद को तैयार करोगे ना तो काम कर पाओगे, शहर के लिए ख़ुद को तैयार करोगे तो काम नहीं कर पाओगे। गांव के लिए तैयार करने का मतलब है बिना एसी के रहने आना चाहिए, गांव के लिए तैयार होने का मतलब है बिना मोबाइल के 24 घंटा आपको रहना आना चाहिए, गांव के लिए तैयार होने का मतलब है अगर आपको पानी नहीं मिला तो एक दिन बिना नहाए धोए आप रहने को तैयार रहिए। लेकिन याद रखिए, अगर आपको हालात बदलना है तो गांव को बदलना होगा, शहर के बदलने से कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस देश में दो नीतियाँ थी, एक नेहरू की थी और एक गांधी की थी। नेहरू कहते थे शहर को इतना बड़ा कर दो, इतना सजा दो कि वो गांव तक पहुंच जाए। गांधी कहते थे गांव को इतना अप टू डेट कर दो और इतना अच्छा कर दो कि गांव वालों को शहर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अब अगर हिंदुस्तान को सजना है, संवरना है और वापस उस जगह तक पहुंचना है तो हिंदुस्तान को गांधी के ही रास्ते पे चलना पड़ेगा, गांव को ही इतना हमें मजबूत बनाना पड़ेगा हर तरह से कि फिर कोई गांव वाला शहर आने की उसको ज़रूरत ना महसूस हो, उसके काम सारे गांव में ही हो जाए, उसका इलाज हो जाए, उसको अच्छी तालीम मिल जाए, अच्छी तरबियत मिल जाए, सब कुछ गांव में अवेलेबल हो जाए। तो मैं टाइम पे आपसे बात कर रहा था। तो गांव में ऐसा होता है कि जो दुकानें होती हैं उसमें तराजू में जो तराजू होता है ना, तराजू में जो एक तरफ तो सामान रखा जाता है और दूसरी तरफ बाट बोलते हैं या बटखरा बोलते हैं, ठीक है ना, वज़न कह लीजिए आप हम जबान में। तो किन्हीं किन्हीं दुकानदारों के पास तो वज़न का बाट हुआ करता है और कोई कोई मिट्टी का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा रखते हैं। तो एक बच्चा अपने बाप से पैसे लेके आया, बाप ने कहा कि बेटा केसर लेके आ जाओ, ज़ाफ़रान केसर महंगा होता है आप तो जानते हैं ना। तो आपने अगर बचपन में दुकानों में कभी देखा हो तो जो दुकानदार हुआ करते थे वो महंगी चीज़ें अंदर रखते थे, बाकी सस्ती चीज़ें बाहर होती थी। तो बच्चे ने कहा कि आप केसर दे दीजिए इतने पैसे का, और दुकानदार ने कहा अच्छा ठीक है बेटा, कम पैसे थे तो कम ज़ाफ़रान जाना था यानी कम केसर जाना था, तो वो जो मिट्टी का बाट था वो उसने रख दिया और अंदर डिब्बे से लाने चला गया। अब ये बच्चा मिट्टी खाने का आदी है, अब इसने वो बाट उठाया और उसे धीरे धीरे चखना शुरू किया, चखने के बाद उसे मज़ा आया तो फिर थोड़ा और भी उसने लेना शुरू किया, और ये सोचने लगा कि यार थोड़ा और देर से वो आता डब्बे से केसर निकाल के, क्यों मैं थोड़ा और टेस्ट ले लेता। तो अब ये बताओ कि ये बच्चा अपनी मर्जी पाके अपना नुकसान कर रहा है या फायदे के सौदे में है? अपना नुकसान कर रहा है ना, क्योंकि वो जितना चखने में मिट्टी के मात्रे को अपने थूक से ख़त्म करता चला जाएगा उतना ही वज़न कम होता चला जाएगा बाट का, और जितना वज़न कम होता चला जाएगा उतनी ही केसर कम आएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हम क्या करते हैं अपनी आम जिंदगी में, हमें जो चीज़ पसंद आती है, अच्छी लगती है, हम उसे इस्तेमाल करते हैं और हम अपने वक्त का उस पसंदीदा चीज़ के लिए इस्तेमाल कर देते हैं।
बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसे मिट्टी खाना पसंद है और वो ये सोचता है कि यार वो ज़ाफ़रान में लाने में देर करे तो मुझे कुछ ज़्यादा खाने को मिल जाए। असल में अगर इसने अपनी ख्वाहिश मार ली होती, वो बाट इस्तेमाल ना किया होता, तो फिर उसे उतना ही ज़ाफ़रान मिलता जितना सबको मिलता है और उसके बाप को नुकसान ना पहुँचता, चूँकि पैसा उसके बाप ने दिया था। समय भी इस मिट्टी के उस वज़न की तरह है जिसे हम अपनी ख्वाहिश के अनुसार जब खा खा के ख़त्म कर देते हैं तो हमें उतना नहीं मिल पाता जितना हमारे बाप को समय का सही इस्तेमाल ना करने से मिल सकता। यही सिचुएशन है, कोई आदमी नया सूरज नहीं उगाता, कोई नई ज़मीन नहीं लाता, कोई नया आसमान नहीं लाता। सिकंदर के भी दो ही हाथ थे, उसके कोई 20 हाथ नहीं थे। उससे भी पूछा गया कि तूने दुनिया पर हुकूमत कैसे की, उसने बड़ा खूबसूरत रिप्लाई किया। उसने कहा, दुश्मनों से ऐसे पेश आया कि दोस्त बनने पर मजबूर हो गए और दोस्तों के साथ ऐसे जिया कि वो हमेशा दोस्त रहे, कभी दुश्मन नहीं बने। तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है समय का सही इस्तेमाल करना। समय का सही इस्तेमाल करके जब आप लोग अपने अपने पॉलिटिकल क्षेत्र में जाएंगे तो एक बात ध्यान रखना, एक चीज़ है मोहब्बत जिससे ज़िंदगी चलती है, एक चीज़ है सियासत जिससे सरकार चलती है। मोहब्बत को सियासत जैसे मत करना और सियासत को मोहब्बत जैसे मत करना। ये ध्यान रखना कि सियासत एक अलग रिलीजन है, इसके करने का सोचने का अलग तरीका है। इसमें लोगों से कभी खैरियत ली नहीं जाती, इसमें अपनी खैरियत बताई जाती है। इसके मामलात बहुत अलग है। मैंने सियासत का पहला सबक जो सीखा था वो आपको सिखा रहा हूं, लेकिन इस पे अमल मत कीजिएगा। मेरे सियासी उस्ताद ने एक दिन मुझसे कहा कि क्या पढ़ाया है सियासत के लिए, तो मैंने कहा कि मैंने सियासत की अरबी फारसी उर्दू की किताबों में जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि लोगों की खिदमत करने का नाम सियासत है। उनका नाम वो भूल जाओ, जो सियासत भारत में चलती है, जो सियासत दुनिया में चलती है उसे सीख लो। तो मैंने कहा बताइए क्या सीखूं। तो उन्होंने कहा समस्या को समस्या बनाए रखना सियासत है। यस, समस्या का समाधान सियासत नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप समस्या का समाधान कर दोगे कोई आपको पूछेगा ही नहीं, क्योंकि समस्या का समाधान हो गया। कितना लंबा समस्या को समस्या बनाए रखा जा सकता है, जो जितने दिन जितने साल जितनी पीढ़ी तक समस्या को समस्या बनाए रखेगा वो उतना बड़ा पॉलिटिशियन कहा जाएगा। मगर ये कहानी पुरानी हो गई। भारतीय छात्र संसद एक ऐसी बुनियाद है जिसमें समस्या का मुकाबला समाधान से होगा और समाधान करके आप सब दुनिया को और ख़ास तौर से अपने मुल्क हिंदुस्तान को ये बताएंगे कि इस देश में दो किस्म के लोग हैं, एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और एक सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। आप लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वालों में से नहीं हो, सॉल्यूशन डिस्कस करने वालों में से हो। मैं हमारे एक दूसरी मोहतरम शख्सियत भी यहाँ मौजूद है जिन्होंने आपको लीडरशिप की स्किल के बारे में, आपके आने वाले प्रॉब्लम के बारे में, उसके सॉल्यूशन के बारे में आपको बताया होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी नीयतें साफ रहीं, मेंटली तुम क्लियर रहे, तो यकीन जानो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जज्बा पाक होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए। देखो ना, हम लोग कैंसर पेशेंट को देखते हैं। अब कैंसर पेशेंट में अमीर हो या गरीब, अगर बहुत पैसे वाला होता है तो उसकी भी ये हालत होती है कि वो पेनलेस डेथ की तरफ जा रहा होता है। गरीब की डेथ में थोड़ी सी पेन होती है, कभी कभी वो पेन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अमीर के पास भी इसका कोई उपाय नहीं है। तो हम जब किसी का हाथ पकड़ते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वो हिंदू है, कि वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, कि वो ईसाई है। हमारे लिए वो सिर्फ एक मरीज़ होता है और हम बाहर से उसे कुछ नहीं देते।
ईश्वर ने ही हमारे बदन में एक सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम दिया है, जिसे हमें समझना होता है, उसे समझाना होता है, उसे जगाना होता है। मिसाल के तौर पर आपके बदन में कहीं से कट जाए, आप क्या करते हो, उसे दबा देते हो ना। आपको ऐसा लगता है खून आपके रोकने से रुक रहा है, पर ऐसा नहीं होता। आप मत दबाओ, खून उतनी देर तक बहेगा जब तक उसे बहना है, और रुकेगा कब, जब उसे लगेगा उसका कोई मददगार नहीं है, कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं है। तो अंदर की जो सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम है वो काम करना शुरू कर देती है, और फिर ऑटोमेटिकली जो भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी और टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में आप उसे कहें, मगर खून बंद हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह आपके अंदर हर एक ताकत मौजूद है, और अगर टेक्नोलॉजी में कहें, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो हर एक बीमारी भी मौजूद है, आपके ऊपर है। आप सेहत को बढ़ावा देते हैं या बीमारी को बढ़ावा देते हैं, आपके अंदर है कि आप अपने अंदर के अच्छे इंसान को उभारते हैं या अपने अंदर के बुरे इंसान को उभारते हैं। सियासत एक मात्र रास्ता है जिससे आप अपने गांव, अपने शहर, अपने स्टेट और अपने मुल्क की पूरे तौर पर सेवा कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप अपने ज्ञान से सेवा कर लें, पॉसिबल नहीं है। अपने घर के पैसे से सेवा कर लें, पॉसिबल नहीं है। आप अपने खेतों से सारे गरीबों का पेट भर दें, पॉसिबल नहीं है। मगर सियासत यानी गवर्नमेंट यानी गवर्नेंस, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप पूरे देश की सेवा कर सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ख़ास बात जो मैंने शायद कभी आप लोगों से शेयर नहीं की, इसमें भी BCS में भी नहीं की, क्योंकि बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऐसी बातें नहीं कही जा सकती, लेकिन आप लोग पॉलिटिकल लोग हैं तो आप इसे समझिएगा। सियासत में जो दुश्मन खड़ा होता है उसका कोई ना कोई नाम ले लिया जाता है। मिसाल के तौर पर कोई माओवादी है, कोई आतंकवादी है, कोई फलाना है, कोई फलाना है। इस बात को आप समझिएगा। एक है तुम्हारे सिस्टम का दुश्मन और एक है तुम्हारे देश का दुश्मन। खतरनाक कौन है, याद रखना। ऐसा नहीं करना कि एक ही तराजू में दोनों को तौलो। सिस्टम के दुश्मन से बात की जा सकती है, मगर देश के दुश्मन से बात नहीं की जा सकती। और यही मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। अपने दिल को इतना छोटा मत रखना जितना वो है, इतना बड़ा रखना जितना बड़ा हिंदुस्तानी को होना चाहिए। मैं बस इन्हीं जुमलों के साथ आप सब से खुदा हाफिज़ी चाहूँगा। आप लोगों का प्रोग्राम चल रहा था, फिर कभी अच्छा प्रैक्टिकली क्या था कि मुहर्रम का टाइम था और मेरा प्रोग्राम चल रहा था दरगाह पंजे शरीफ, एक जगह है दिल्ली में। तो मुझे इलेक्शन के बाद से ही कुछ ऐसी इनपुट्स थी कि मैं ISIS के टारगेट पे हूँ, बिकॉज मैं देश के लिए बोलता रहता हूँ। तो इन लोगों ने, हमारे इन जवानों ने हमारा एक प्रोमो बनाया था यहाँ पे, और बोलते हुए सच्चाई के साथ अंदर से ये बात निकली थी, इसलिए शायद पता नहीं वो अल्फाज मैं आपको वैसे ही सुना पाऊँ कि नहीं। मगर मैंने तब ये कहा था कि मुझे मालूम है कि मुझे सुलाने की कोशिश की जा रही है, यानी मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, मगर मैं तुम सब से वादा करता हूँ कि अगर मैं अपनी कब्र में भी चला गया तो भी मेरी धड़कन सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए धड़केगी, भारत के लिए धड़केगी और भारत के लिए। और ये कोई सजा हुआ जुमला नहीं था, मैं कोई सोच के नहीं गया था। जनरली मैं अपनी तकरीर प्रिपेयर नहीं करता हूँ, स्टडी करता रहता हूँ। जब मुझे किसी यूनिवर्सिटी से कोई सब्जेक्ट मिलता है तो मैं उस सब्जेक्ट पे बोलता हूँ। जनरली मैं ये साबित करने की कोशिश नहीं करता कि मैं बहुत अच्छा बोलने वाला हूँ। हाँ, ये ज़रूर कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा समझने वाला हूँ,
क्योंकि जब आप अपने ऑडियंस को ज़्यादा समझने वाले बन जाते हैं तो आप खुद ब खुद अच्छा बोलने वाले बन जाते हैं। जब भी कहीं आप बोलिए, पॉलिटिक्स में, टीवी पे, डिबेट्स में, अपना पेशेंस मत खोइए, क्योंकि सियासत साड़ी की दुकान है। एक व्यापारी एक औरत को बहन जी कह के बुलाता है, 18-20 साड़ी खोल के दिखाता है, वो बहन जी उससे कुछ नहीं लेती हैं, फिर भी वो बेचारा प्यार से साड़ी सारी समेट के रखता है, क्योंकि उसे पता है ईद में नहीं लिया तो दिवाली में ले लेंगी, दिवाली में नहीं लिया तो होली में ले लेंगी, होली में नहीं लिया तो किसी और दिन ले लेंगी। तो वो अपना क्लाइंट ख़राब नहीं करता, बहुत पेशेंस के साथ उससे सजा के रखता है। तो सियासत जो है ये काम है, इसमें अगर गुस्से में आपने बोल दिया कि भाई अगर लेना नहीं था बहन तो आई क्यों, दोपहर के बाद मेरा टाइम क्यों ख़राब किया, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और पेशेंस के लिए एक बात हमेशा याद रखना, मैं अभी रिसेंटली मैंने ये जुमला कहा जिसे बहुत सोशल मीडिया में बहुत सराहा गया, बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स और क्या बोलते हैं वो सब बहुत ज़्यादा शेयर हुआ है, बहादुर साबिर हो के ना हो, यानी पेशेंस वाला हो के ना हो, बहादुर सबूरी हो के ना हो, मगर जो साबिर होता है वो बहुत बड़ा बहादुर होता है। और ये सच्चाई है, अपनी ज़िंदगी में कोशिशें करना, सियासत में दूसरी ज़बानों को भी सीखने की, स्टेट की भी जो ज़बानें हैं ना, ये हमें नया समाज सिखाती हैं, इनको अगर आप बोलते हो तो लोगों से नज़दीक होते हो। और मैं वापस अपना ही एक जुमला बोल के ख़त्म करूँगा कि दुनिया में ज़िंदगी के नाम पे जीने वाले इतने लोग नहीं हैं जितना भारत में भारत के नाम पे मरने वाले लोग हैं।